मधेपुरा में कार और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में तीन युवकों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तीनों युवक एक शादी समारोह से भोज खाकर मधेपुरा की ओर लौट रहे थे। ये घटना देर रात मधेपुरा सिंहेश्वर के मुख्य मार्ग पर हुई। संयोग बस उसी रास्ते से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव गुजर रहे थे। पप्पू यादव ने सड़क पर जल रही कार और मोटरसाइकिल को रुककर देखा तो युवक जिंदा जल रहे थे। मौके पर पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आग बुझाई और सभी को उठाकर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन इलाज में देरी होने के चलते तीनों की मौत हो गई। यही है जो वो सोनू कुमार लड़का जो है वो हम लोग के रिश्ते में भागना लगता है और उनका साला एक लड़का और है जो सिंहेश्वर का है, वो दोनों आदमी निसिहरपुर से भोज खा करके आ रहा था। तो भोज खा करके आने के क्रम में हम लोग को जैसा मालूम हुआ है कि वो कार और बाइक के आमने सामने टक्कर हुआ है, जिसमें जो भी कारण हो आग लगने का, गाड़ी में आग लग गया जिसके कारण वो तीनों आदमी बुरी तरह से जल गया और हम लोगों को मालूम हुआ है जो वो स्पॉट ही डेथ कर गया है और लास्ट जो है सो बहुत बुरी हालत में है, जो कि अभी पोस्टमार्टम रूम में जो है सो पोस्टमार्टम के लिए उनको बुलाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव मुखिया हुआ, राजपुर। कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर में गाड़ियों में आग लग गई। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार तीनों युवकों की जलकर मौत हो गई, जबकि कार में सवार चालक समेत सभी लोग फरार हो गए। वहीं मृतक की पहचान मधेपुरा भरारी थाना के शानू कुमार, सहरसा के मोकना के रहने वाले सुमन कुमार और सिंहेश्वर थाना के केटावन में रहने वाले रवि कुमार के रूप में हुई है। रोड एक्सीडेंट में तीन की मौत हो गई है। हाँ, देर रात हुई है, क्या कहते हैं, फोर व्हीलर और वाइक में टक्कर हुई है पतराहा के पास, पिराना क्लिनिक के आसपास, जो टंकी के खुल जाने से टक्कर होने के बाद आग लगी थी, जिसमें दो जन झुलस गए और एक जन फेंका गए थे, जिन्हें सबको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया समुचित इलाज के लिए। उसी दरमियान में उन लोग की मौत हो गई है वहाँ। उन लोग को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल मधेपुरा भेजा गया है, जिसके हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। एक फोर व्हीलर और एक मोटरसाइकिल का आमने सामने टक्कर में बिराना के क्लिनिक के पास गाड़ी में आग लगने से दो जल चुके थे, एक रोड एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, तीनों को भर्ती कराया गया था। क्या मामला है? बीती रात एक फोर व्हीलर और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए, उनको मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में इलाज के लिए ले जाया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सदर अस्पताल में हम लोग पोस्टमार्टम प्रक्रिया में आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? सत्य प्रकाश। पप्पू यादव ने बताया कि दुर्घटना के बाद एक घंटे तक तीनों युवक जलते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर आसपास के लोग तत्परता दिखाते तो शायद तीनों युवकों की जान बच सकती थी। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।